हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा दो, पाठ चार, इब्न बतूता। इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि जब तेज हवा, आंधी या तूफान आता है और उसके साथ साथ अगर बारिश भी आ जाए तो उससे हम सबको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो बच्चों, जब तेज हवा और बारिश आती है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि हवा से हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो उड़ जाएंगी और हवा में जो धूल मिट्टी के कण ये सब कुछ उड़ते हैं वो हमारे आँखों और कानों को नुकसान पहुँचाएंगे और हम बारिश में भीग जाएंगे और भीगने की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें तेज़ हवा और बारिश में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन बच्चों, इस कविता में जो इब्न बतूता है वो हवा और बारिश में घर से बाहर निकल जाते हैं। तो आइए बच्चों, कविता को पढ़कर जानते हैं कि इब्न बतूता के साथ क्या क्या हुआ जब वो तेज़ हवा और बारिश में घर से बाहर निकले। प्यारे बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। जब तेज हवा के साथ बारिश भी आती है तो क्या होता है? बच्चों, जब तेज हवा के साथ बारिश आती है तो क्या होता है? हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो तेज हवा से उड़ जाती हैं और बारिश में भीग जाते हैं। बच्चों, जब तेज हवा के साथ बारिश आती है तो उससे हमें बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर हम तेज़ हवा और बारिश में घर से बाहर निकलते हैं तो हवा में जो मिट्टी के धूल कण होते हैं वो सब हमारी आँखों में और कानों में चले जाते हैं और बारिश में भीगने की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। आंधी में अगर बाहर जाए तो क्या होगा? बच्चों, अगर आप आंधी तेज़ हवा में घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होगा? आपके पास जो चीज़ें हैं वो उड़ जाएंगी और तेज़ हवा, जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो वो इतनी तेज़ होती है कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, आप भी उसमें गिर सकते हो। तो हमें तेज़ हवा, आंधी, तूफान में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो उड़ जाती हैं, हमारे कपड़े उड़ जाते हैं। इब्न बतूता जी तेज़ तूफान में बाहर निकल गए तो क्या हुआ? आइए कविता पढ़कर जानते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो बच्चों, इब्न बतूता घर से तैयार होकर बाहर निकल गए। इब्न बतूता तैयार होकर अपने जूते पहनकर तेज़ आंधी में, तेज़ हवा में घर से बाहर निकल गए। और उनके साथ क्या हुआ? जो तेज़ हवा चल रही थी वो कभी उनके नाक में घुस गई तो उनके कान में घुस गई। तो बच्चों, जब तेज़ हवा और आंधी आती है तो क्या होता है? उसमें जो हवा चलती है वो हमारे नाक और कानों में घुस जाती है। ऐसे ही इब्न बतूता जी के साथ हुआ, वे घर से बाहर तेज़ हवा में निकल गए और उनके थोड़ी हवा नाक में घुस गई और थोड़ी हवा उनके कान में घुस गई। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। तो बच्चों, जब उनके आँख
उनके नाक कान इनमें हवा घुस गई तो इब्न बतूता ने क्या किया, उनको मलने लगे। तो जैसे ही वो अपने नाक और कान को मलने लगे, इसी बीच उनके पैरों से उनका जूता निकल गया। बच्चों, जब तेज़ हवा आंधी आती है तो हम अगर उसमें घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, उसमें जो तेज़ हवा में मिट्टी धूल उड़ती है वो हमारे आँखों में कानों में नाक में घुस जाती है, और जब हम उसको मलते हैं हमारे कपड़े भी उड़ते रहते हैं। तो इसी बीच इब्न बतूता जी के साथ क्या हुआ, जैसे ही वो अपने नाक और कान को मलने लगे, उनके पैरों से उनका जूता निकल गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो प्यारे बच्चों, आगे क्या हुआ, जब इब्न बतूता अपने नाक और कान को मल रहे थे तो उनके पैरों का जूता निकल गया था, और उड़ते उड़ते उनका जूता कहाँ पहुँच गया, जापान में। बच्चों, इसका मतलब ये है कि उनका जूता बहुत दूर जाकर गिरा और इब्न बतूता मोची की दुकान में जाकर खड़े रह गए। यानी वो मोची की दुकान पर खड़े थे और वो वहाँ पर खड़े रह गए, क्यों, क्योंकि उनका जूता तो बहुत दूर जाकर गिरा। बच्चों, मोची, सबको पता है कि मोची किसको कहते हैं, जो हमारे जूते चप्पल को ठीक करते हैं उसको मोची कहते हैं। तो इब्न बतूता जी का जो जूता था वो बहुत दूर जाकर गिरा और इब्न बतूता जी मोची की दुकान पर खड़े रह गए। तो प्यारे बच्चों, आज इस कविता से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी तेज़ आंधी तूफ़ान और बारिश में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप लोगों ने देखा, इब्न बतूता जी घर से बाहर निकले तो उनके साथ क्या हुआ, उनके पैरों का जूता भी निकल गया और उनको कितनी परेशानी हुई, जो हवा थी वो उनके आँख नाक कानों में घुस गई थी। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। धन्यवाद।